हेलो मेरे प्यारे प्यारे एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स, मेरी प्यारी सी एक कम्युनिटी। अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से मैं डॉक्टर सविता शर्मा जो कुछ नॉलेज गैदर किए आपके साथ शेयर करने इस यूट्यूब के माध्यम से आ जाती। मुझे ये लगता है कि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो काफी, कुछ पेशेंट्स इतने एडहेरेंट हैं जो पता नहीं कितने सालों से 100% एडहेरेंस से मेडिसिन खाते हैं, पर उनको काफी चीजों के बारे में नहीं। तो ये एक मीडियम है जिससे मैं उनसे हर वो चीज उनको समझाना चाहती हूँ जो उनके साथ उनके ट्रीटमेंट में हो रहा है। एक पेशेंट ने मुझे ये बोला था कि अभी तक आपने एचआईवी और एड्स के बीच का डिफरेंस क्लियर नहीं किया, तो मैम आपको सबसे पहले वो वीडियो बना लीजिए। सॉरी फॉर मेकिंग इट लेट, बट आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये डिफरेंस हम क्लियर कर सकें। एचआईवी, जैसे आपको पता है, एक वायरस है जो हमारी बॉडी में चार रूट से मेनली एंटर होता है, ब्लड से, सिरिंजेस से, सेक्स के दौरान या मां से बच्चे को। ये एचआईवी जब आपकी बॉडी में चला जाता है तो इस एचआईवी के अगेंस्ट आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बनती है, शरीर में कुछ तत्व बनते हैं एंटीबॉडीज जिनसे हम एचआईवी को डिटेक्ट करते हैं। वो एंटीबॉडीज बनने में 1 महीने का टाइम लगता है करीब। जब आपकी बॉडी में एचआईवी चला गया और जब हम आपके एचआईवी को टेस्ट पॉजिटिव डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके बीच में 1 महीने का गैप होता है। यानी उस 1 महीने के दौरान आपकी बॉडी में एचआईवी बहुत ग्रो करता है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, CD4 सेल्स को वो काफी डिस्ट्रॉय करता है, CD4 काफी कम हो जाते हैं, आप किसी को भी इजीली इंफेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट आपका एचआईवी टेस्ट नेगेटिव हो। तो ये सबसे पैथेटिक कंडीशन होती है, यानी किसी पेशेंट को ये नहीं पता कि उसे एचआईवी और उसकी बॉडी में वायरस इतना ज्यादा है कि वो ट्रांसमिट हो सकता है इसी टाइम को हम। तो सबसे पहले जब किसी की बॉडी में एचआईवी जाता है तो फर्स्ट फेज जो एचआईवी का है वो है एक्यूट एचआईवी इलनेस, या एक्यूट फेज एक होता है जैसे बाकी वायरल इलनेसेस में होता है। आजकल यहाँ पे डेंगू, चिकनगुनिया काफी फैला हुआ है, तो जैसी वायरल इलनेसेस ये दोनों प्रेजेंट करते हैं वैसी भी वायरल इलनेस जब एचआईवी आपकी बॉडी में जाता है 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसमें फीवर होता है, बॉडी के छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, रैश हो जाएगी, कफ एंड कोल्ड हो सकता है, लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, यहाँ पे जैसे गिल्टियां सी बन जाती है, आपको फील होते हैं मासेस, तो उनको हम बोलते हैं लिम्फ। तो ये सारे फीचर्स होते हैं एक्यूट एचआईवी इलनेस में। उसके बाद 2 से 4 हफ्ते के बाद, 2 से 4 हफ्ते तक, जैसे ये आपको 2 से 4 हफ्ते में एक्यूट इलनेस हो गई, उसके बाद आपकी बॉडी में क्या होगा कि जो CD4 सेल्स हैं उनका काउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और एचआईवी वायरस जो है वो वायरल लोड कम होना शुरू हो जाएगा। कि जब आपको पता लगेगा कि आपको एचआईवी, उसके बाद आपका एचआईवी का वायरल लोड कम होना शुरू हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी उस वायरस के साथ, एचआईवी के साथ फाइट हो। अब आप लैंड कर जाओगे एक क्रॉनिक एचआईवी फेज में। ये जो क्रॉनिक एचआईवी फेज है ये 6 महीने से लेके 10 साल तक चल सकता है, यानी कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम है उनमें हो सकता है एड्स जो है वो डेवलप कर जाए 6 महीने या साल में, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है हो सकता है उनमें एड्स 10 साल या कई बार 10 साल से भी लंबा, 15 साल तक भी उनको एड्स ना हो। ये आपकी जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है उस पर डिपेंड। और तीसरा फेज है एड्स। अब एड्स हम किसको कहें? एड्स वो फेज है जब आपकी बॉडी में CD4 सेल्स का जो काउंट है, जो कि 1 ml ब्लड में 500 से 1500 होना चाहिए, 200 तक आ गया, 200 या 200 से नीचे आ गया, या फिर आपको एक क्लिनिकल स्टेजिंग होती है Stage 3 and Stage 4, या फिर आपको Stage 3 and Stage 4 की इलनेसेस प्रेजेंट करने लग गई, जैसे क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस, पीसीपी निमोनिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस या किसी तरह मैलिग्नेंसी, तो और CD4 सेल्स कम है तो हम आपको बोलेंगे कि ये एड्स डेवलप। तो ये एक नेचुरल हिस्ट्री है। नेचुरल हिस्ट्री मतलब इसमें ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही, हमने आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो आप एक एक्यूट वायरल इलनेस के साथ, एक्यूट एचआईवी इंफेक्शन के साथ आएंगे, जिसको आप यही सोचेंगे कि कोई और नॉर्मल नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है। यूजुअली हम लोग सस्पेक्ट भी नहीं करते जब तक अच्छे से ये हिस्ट्री ना मिल जाए कि कोई एक्सपोजर है। दूसरा क्रॉनिक फेज जो कि 6 महीने से साल से लेकर 10 साल तक या 15 साल तक चल सकता है, और तीसरा एड्स। एड्स को हम डेथ एंड मानते थे।
अब ये तीनों फेजेस तब हैं जब ट्रीटमेंट में, जब हमने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, सबसे अच्छा तो तभी है अगर हम आपके एक्यूट इलनेस में इसको पकड़ लें और तभी से ट्रीटमेंट शुरू करें। एक्यूट इलनेस में हम तभी पकड़ सकते हैं जब आप हमें प्रॉपर हिस्ट्री देंगे कि आपका कहाँ पे एचआईवी का एक्सपोजर हुआ। अगर एक्यूट फेज निकल जाता है और क्रॉनिक फेज में भी हमें पता लग जाता है, तब भी देर नहीं, हम आराम से आपको एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स पे डालेंगे और एंटी रेट्रोवायरल्स कभी भी एचआईवी को एड्स में कन्वर्ट नहीं होने देगा। और अगर आप एड्स में हमारे पास आएंगे तो ट्रीटमेंट शुरू होगा, इफेक्टिव होगा, पर वो जो आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग करने वाली बात, जैसे मैं ये यूजुअली कहती हूँ कि क्रॉनिक फेज में अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो आप 100 साल जी सकते हैं, आपकी जो नेचुरल जिंदगी है जी सकते हैं, पर इस ट्रीटमेंट को हम जितना डिले कर देंगे उतनी मुश्किलें आएंगी। जैसे आप एड्स में प्रेजेंट करेंगे तो मैनेजमेंट थोड़ा टफ हो जाएगा, पर इस केस में जैसे कि मैं आपको ये नेचुरल हिस्ट्री बता रही हूँ, एक्यूट इलनेस, क्रॉनिक इलनेस और एड्स डिफाइनिंग इलनेस, तो इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि एड्स में स्टेज 3 और स्टेज 4 कंडीशन है। एड्स की कंडीशन कैंसर की, एड्स की स्टेजिंग कैंसर की स्टेजिंग की तरह नहीं। कैंसर में क्या हुआ, आप स्टेज 4 में हैं तो आप स्टेज 1 में वापस नहीं जाएंगे, यू आर इन स्टेज 3 और स्टेज 4, उनका प्रोग्नोसिस खराब। एड्स में अगर आप आज स्टेज 3 या स्टेज 4 में हैं तो हो सकता है 15 दिन बाद, महीने बाद आप स्टेज 1 में हो। एड्स की एचआईवी की स्टेजिंग जो है वो रिवर्सिबल है, आप जितनी बार अपने डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी बार आपकी ऑन ट्रीटमेंट स्टेजिंग हो। अगर आपकी स्टेज कभी भी 3 या 4 तो आप घबराना मत, विश्वास रखना इन दवाइयों पे, इस ट्रीटमेंट पे और अपने डॉक्टर्स पे, और आप स्टेज 1 में दोबारा आ जाए। तो यही एक रिक्वेस्ट है कि इस बीमारी की नेचुरल स्टेजिंग समझ के हम इसको जब जितनी जल्दी पकड़ लें, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर लें, उतनी लंबी लाइफ कर सकते हैं। और इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी, प्लीज अपना टेस्ट करवाने में हेजिटेट ना करें। धड़कन बढ़ती है जब टेस्ट करवाते, फिर भी आप अपने डर पे काबू करके अपने आप को समझा के कहीं भी एक्सपोजर अगर आपको हल्का सा भी लगता है तो अपनी टेस्टिंग करवाएं। क्या होगा अगर टेस्ट पॉजिटिव आए, ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, आप क्रॉनिक फेज में उसको पकड़ लो, एचआईवी को सारी जिंदगी एचआईवी रखो, एड्स नहीं बनने दोगे, बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जियो। इस डिजीज से फाइट करना है, कैसे फाइट करना है इसके बारे में जानकारी देके, एजुकेट करके खुद इस बीमारी को डिफीट करना है। सो लेट्स स्टे टुगेदर, स्टे एजुकेटेड एंड स्टे हेल्दी एज वी हैव टू डिफीट एचआईवी एंड एड्स। स्तम जीवम श्रद्धा, भगवान आपकी 100 साल की आयु और एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ। थैंक यू।